मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम भौलक मोड के बारे में पढ़ेंगे। भौलक का सीधा सा अर्थ यह होता है कि जो भी किसी भी वर्ग में या किसी भी की भी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसको भौलक कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कि मारुति के कोई मॉडल किसी ईयर में कौन कौन से निकले हैं, तो उसका भौलक सबसे ज़्यादा मॉडल जैसे मारुति अपने हुंडई है, इनमें से जिसके सबसे अधिक मॉडल मार्केट में सबसे ज़्यादा करे हुए हैं तो भौलक किसका होगा। जैसे मान लीजिए कि मारुति के 10 निकले हैं और हुंडई के 15 निकले हैं, तो भौलक अपना 15 होगा, हुंडई की 15 होगी। नॉर्मली जो व्यक्तिगत और खंडित सारणी होती है उसमें भौलक देखने से ही, निरीक्षण मात्र से ही ज्ञात हो जाता है कि किसका बहुलक ज़्यादा है, किसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपन को कहते हैं कि ये चीज दे रखी है, देखते हैं 10.4 से 10.4, 10.5, 10.6, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7 मोड। इनकी आवृत्ति इस प्रकार से है, फ्रीक्वेंसी 10.4 की 1, 10.5 की 1, 10.6 की 4, 2, 3, 2, 1, 1। अब इसमें निरीक्षण मात्र से ही याद रहेगा कि जिसकी भी आवृत्ति सबसे अधिक होगी वह सारणी का बहुलक होगा। तो सबसे आवृत्ति किसकी है 10.6 का, बहुलक क्या होगा z बराबर 10.6, मतलब सबसे ज्यादा डेसिबल वाले 10.6 है। अधिकतम आवृत्ति 4 है, अतः जिसका मूल्य 10.6 है यही बहुलक दर है। यदि दो या दो से अधिक मूल्य की आवृत्ति अधिकतम हो तो बहुलक निर्धारण करना कठिन होगा। ऐसी स्थिति बहुलक उतने ही होंगे जितनी की अधिक आवृत्तियां होगी। अब अपन कंटिन्यू सीरीज में देखेंगे कि बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए एक तो है ग्रुपिंग टेबल मेथड और दूसरा है फार्मूला मेथड। जैसे कि ग्रुपिंग टेबल मेथड में आधार पर बहुलक ज्ञात करने का, जब पता नहीं पड़ता एक साथ कई आवृत्ति आती है, तो अपन ग्रुपिंग टेबल मेथड के द्वारा बहुलक ज्ञात करते हैं। इसमें एक खंडित सारणी दी रखी है जिसमें साइड ऑफ शूज ये है और दूसरा है नंबर ऑफ पेयर, कितने पेयर मार्केट में बिके। तो जीरो से लेके 7 तक के दे रखे हैं शूज के, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 इस प्रकार के साइज के दे रखे हैं। और इनकी जो पेयर बिके हैं मार्केट में जीरो साइज वाले बिके हैं 4, 5, 7, 6, 8, 7, 8 और 5।
फ्रीक्वेंसी है वो दो के आगे एक चार के आगे छह के आगे आठ और आठ अतः ऐसे में गुप्त शब्द के द्वारा हम बहुलक का निर्धारण करते हैं। तो सबसे पहले दो दो के जोड़े बनाएंगे, तीन तीन के जोड़े बनाएंगे, फिर चार चार के जोड़े बनाएंगे। तो सबसे पहले पेयर्स बनाएंगे अपन, जो फर्स्ट पेयर्स है वो बनाएंगे चार पांच नौ सात छ सात छ तेरह आठ सात पंद्रह और आठ पांच तेरह। इस प्रकार से दो दो के अपन ने पैर बना लिए। फिर उसके बाद में अपन एक ऊपर वाले को छोड़ के आगे वाले दो पैर की दूरी बनाएंगे सात और पांच बारह सात और पांच बारह छह सात और पांच बारह छह और आठ चौदह सात और आठ पंद्रह। इस प्रकार से टू टू पेयर्स के अपन ने जोड़े बना लिए। फिर अपन थ्री थ्री पेयर्स के जोड़े बनाएंगे चार पांच नौ नौ और सात नौ और सात सोलह छह आठ चौदह चौदह सात इक्कीस फिर तीन बने रहे इसे छोड़ देंगे। फिर एक को छोड़ के सात पांच बारह बारह छह अठारह आठ सात पंद्रह पंद्रह आठ उन्नीस तीन फिर दो को छोड़ देंगे सात और छह सात और छह तेरह तेरह आठ इक्कीस फिर सात आठ पंद्रह पंद्रह पांच बीस। अब अपन कैलकुलेट करेंगे कि किसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है, कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी प्राप्त हुई है। तो सबसे पहले कौन से वर्ग की आवृत्ति सबसे अधिक है, पंद्रह, फिर है फिफ्टीन, फिर है दोनों में 21, फिर है 23 और फिर है 21। तो ये 15 किस किस की आवृत्ति है, आठ चार और पांच की आवृत्ति। फिर 15 किस की आवृत्ति है, सात और आठ की आवृत्ति। फिर किस किस की आवृत्ति है, तीन चार और पांच, तीन चार और पांच। फिर इक्कीस किस किस की आवृत्ति है, तीन चार और पांच। फिर तेईस किस किस क्या होती है, चार पांच और चार पांच। फिर इक्कीस किस क्या होती है, दो तीन और चार। तो सबसे ज्यादा किसकी आई है, एक तीन चार पांच
दो, एक, सबसे ज्यादा होती है गैस की 5। तो इसका बहुलक क्या होगा अपना 5 होगा। हाई नंबर वाले जो पेयर्स हैं वो सबसे अधिक मात्रा में हुए हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। एक ग्रुप दे रखा है अपन को 0 से 5 से लेके ग्रुप है किसी तो ग्रुप है मार्क्स का ग्रुप दे रखा है मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट मार्क्स है 0 से 5 5 से 10 10 से 15 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 और 30 से 35 इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 3, 10, 22, 14, 4, 2 और 1। चाहे तो अपन डायरेक्टली याद कर सकते हैं कि इसका बहुलक ग्रुप कौन सा है। इसका बहुलक ग्रुप 10 से 15 वाला होगा। 10 से 15 वाले बहुलक ग्रुप के अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं और ग्रुपिंग मेथड के द्वारा भी अपन ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं। ग्रुपिंग मेथड के द्वारा अपन ग्रुप का निर्धारण करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे? पहले 2 पेयर 10 और 3 13 22 और 14 36 4 8 4 2 6 फिर ऊपर वाले संख्या को छोड़ के 10 और 2 22 14 और 4 18 2 1 3 फिर आगे वाले 3 और 10 13 13 और 2 15 15 और 20 14 4 18 18 2 20 फिर ऊपर वाले को छोड़ के 10 और 22 32 32 और 14 36 46 4 और 6 7 फिर 22 और 14 26 26 26 26 40 तो कुछ नहीं बचा। तो अपने मैक्सिमम आवृत्ति किसकी है, सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है, वो है बिना ग्रुप किए हुए सबसे ज्यादा। फिर
कौन से ग्रुप की है बच्चों? फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आपके किस किस की है? 5 से 10 और 10 से 15। फिर सबसे ज्यादा आपके किस की है? 3 है, 6 है, 3 है और 1 है। तो बहुलक वर्ग अपना मोड रूप है वो है मोड रूप 10 से 15 वाला अपना मोड रूप है। अब मोड याद करने के लिए इसको करते हैं। बहुलक याद करने का फॉर्मूला है जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब अपना जो ग्रुप है वो कौन सा ग्रुप है? बहुलक ग्रुप ये है। इसकी जो आवृत्ति होगी वो F1 होगी, ऊपर वाली F0 होगी और नीचे वाली F2 होगी। तो L1 बराबर ग्रुप की लोअर लिमिट 10 प्लस F1 माइनस F0 22 माइनस 10 अपॉन 2F1 माइनस F0 10 माइनस 14 इंटू 5। कैलकुलेशन करते हैं 10 प्लस 12 अपॉन 44 माइनस 24 इंटू 5 10 प्लस 12 बटा 20 इंटू 5 आंसर होता है अपना 13। जो बहुलक है वो है 13। थैंक यू फ्रेंड्स। ये किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न सारणियों में अपन बहुलक को ज्ञात कर सकते हैं इसके बारे में समझाया गया था। नेक्स्ट जो भी होगा ये लेक्चर उसमें आगे की प्रविधियों के बारे में पढ़ेंगे।